मॉर्निंग गाइस, आई होप आपकी सुबह हो चुकी होगी जैसे मेरी भी हो चुकी है। कॉफ़ी मैंने पी ली है। आज का ब्लॉग क्या जाएगा मुझे खुद नहीं पता। लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट श्योरली इट विल गो बी इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। एंड अब उठ तो हम चुके हैं, तो पहले हमें कॉफ़ी भी हमने पी ली है। सो यार ये सो सोना यार, मैं कब से मतलब फर्स्ट व्लॉग में भी आई वॉज फंबलिंग अलॉट, अभी भी आई एम फंबलिंग अलॉट। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। हाँ तो हम कहाँ पे थे? हाँ अब हम उठ गए हैं, जाके को वॉक पे लेके जाना है, वर्कआउट करना है। वर्कआउट दिखाऊंगा भी क्या करता हूँ। वी आर रेडी फॉर द वॉक, चला जाए। जाके अभी रूम के बाहर है। एक मिनट। नाउ वी आर रेडी, वॉक पे होके आते हैं, उसके बाद वर्कआउट करेंगे। जैकी सो चुका है, वर्कआउट हम शुरू करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग के बाद आई स्विच अप टू स्किपिंग, उसके बाद आई डू अ 20 मिनट्स सर्किट। सर्किट के बाद फिर दोबारा स्किपिंग। सी हमारा मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलरीज हमने बर्न करनी है। क्या करनी है? कैलरीज बर्न करनी है, बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट इन शेप। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कआउट। मैं कोई मेजर वर्कआउट नहीं हूँ, देखो मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये कह सकते हैं कि व्हाट आई फॉलो इज और यू कैन आल्सो फॉलो दैट। व्हाट वी गोना डू इज दैट, पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे हम। अभी कैमरा नीचे तो जा नहीं सकते। एक मिनट। तो दैट इज हाउ वी गोना डू द स्ट्रेचिंग। अब तो जिम तो बंद है यार, है ना? आधे से ज्यादा लोग तो बहुत मिस कर रहे होंगे यार वेट्स को, लाइक हैवी वेट्स को, क्योंकि मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा पसंद है स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, हैवी से हैवी मारो। बट अब तो यार स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, तो अभी मेन मोटिव है कि लीन कैसे रहना है, बॉडी वेट मेंटेन कैसे करना है, मेंटेन क्या है या फिर कम भी कैसे करना है। सो वी कैन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज विद स्किपिंग रोप। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, आई हैव अ फिटनेस वॉच, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कौन से फिटनेस वॉच है। मतलब मैं इस पर ज़्यादा डिपेंड तो नहीं रहता, बट हाँ whenever I go to the gym, I just sync my workout with this fitness watch. इससे क्या होता है, estimate रहता है कि हमने कितनी calories burn करी है।
रियली वर्किंग ऑन मी. आई फील लाइट, आई फील एनर्जेटिक होल डे. वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट. अब थोड़ा बाहर जाना है कुछ सामान लेने के लिए एज यूजुअल. बाकी आके कुछ सीरियस टॉक करनी है. आके मुझे बताना है कि भाई मैंने ब्लॉगिंग शुरू क्यों की. सो वी आर बैक गाइस. घर का सामान आ गए हैं, घर वाले खुश हो गए हैं, मम्मी को पता लग गया बेटा काम करता है. हाँ, तो जाने से पहले मैंने बताया था कि आज कुछ हम करेंगे सीरियस टॉक. ब्लॉगिंग मैंने क्यों शुरू करी, ब्लॉगिंग इसलिए शुरू करी क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का तो क्रेज़ है ही. पहला रीज़न ये. दूसरा रीज़न ये है कि मेरे को मुझे आई रियली एडमायर दोस फिल्म मेकर्स जो एकदम से ट्रांजिशन लेते हैं. जैसे बड़ी बड़ी मूवीज़ में देखते हैं जुप, ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ मैं चीज़ें. स्पेशली इफ़ेक्ट्स ट्रांजिशन जो कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ. और तीसरी बात ये कि कुछ ब्लॉगर्स हैं जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ. जैसे MSK व्लॉग्स हैं, मुंबई के निखिल है, गौरव तनेजा है, तुम्हें पता ही होगा आई गेस. अगर नहीं पता तो YouTube पे आप टाइप करके देख सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द रीज़न इज़ कि मैंने व्लॉगिंग क्यों शुरू करी. अब पता नहीं कि कितनी चलती है व्लॉगिंग, कैसे जाती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता. क्या कंटेंट लाता हूँ और कैसे लेके आता हूँ, क्या इफ़ेक्ट्स ऐड करता हूँ, आई रियली नो डोंट नो अबाउट दैट. ऑल आई वॉन्ट यू टू बी कि भाई सपोर्ट मी, सपोर्ट करे. आप सपोर्ट करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, अगर अच्छा कंटेंट आपको दूंगा तो आप एंटरटेन होंगे. स्पेशली इस टाइम में वी नीड टू बी पॉजिटिव, वी नीड टू बी रियली हैप्पी, वी नीड टू बी हैप्पी इन स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स. तो गिव मी अ चांस कि मैं वो मोमेंट्स आपके लिए बनाऊँ. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट अ लाइक बटन जैसे यूजुअली बोलते हैं. सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड एन्जॉय द सनसेट. बाय.